मिस रतनपुर की ओर से। ओहो उम्दा स्मैश कंटिन्यू 1-0 1-0 2-0 हाँ जी। और भाई इसके बाद जो मैच हो रहा है वो किशनगंज वर्सेस मनोहरपुर, किशनगंज वर्सेस मनोहरपुर, आप बिल्कुल तैयार रहे। यहाँ पे तो किशनगंज का खिलाड़ी को मैं देख रहा था, यहाँ से मनोहरपुर और किशनगंज के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि इनके बाद आप ही का मैच होना बाकी है, क्योंकि उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद सडनली इसके बाद ये फाइनल मैच खेला जाएगा। किशनगंज और मनोहरपुर के कैप्टन, आप अपने टीम को लेकर बिल्कुल तैयार रहे, इनके बाद बस ओम द ब्लॉक करने का प्रयास। तगड़ा प्रहार साबित के द्वारा थ्री टू की ये सर्विस, और यहाँ पे मौका है तौसिफ के पास, अंपायर का इशारा कि लैंड क्रॉस, की चे लैंड क्रॉस पहुंचने की लैंड क्रॉस नेट टच। 4-2 की सर्विस समझरन की ओर से, और यहाँ पे मौका बनाया है वसीम ने, वसीम का स्मैश और लाजवाब, ओह बॉडी टच अंपायर का इशारा, तो यहाँ पे फायदा मिलता हुआ रतनपुर को। अब रतनपुर की ओर से अगली सर्विस लेकर आएंगे साहिब, 2-4 की ये सर्विस, मौका है तस्वीर के पास, और यहाँ पे एक दफा फिर से साहब गुलजार, गुलजार से साबिर का ये हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे फिर से मौका क्या बना पाएंगे, ओहो हो बहुत ही करारा प्रहार गुलजार के द्वारा। 4-2 ऑन द स्मैश, ये शॉट बढ़िया नहीं कह सकते हैं, बॉल बाहर चली जाएगी। 5-2 निशानी है रतनपुर के लिए, और रतनपुर के लिए दिक्कत की बात है कि पहला सेट गंवाने के बाद इस सेट में आप पिछड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस परिस्थिति से आपको उभरने की आवश्यकता है, और यहाँ पे चेंज करने में कामयाब 2-6 की सर्विस। ऑन द स्पेस सर्विस, और नूरुल इस्लाम ने गेंद को सेट किया, और ये स्मैश उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा, यहाँ पे मौका साबिर का, साबिर का ये स्मैश लेकिन ब्लॉक। लाजवाब स्मैश, कौशर का ये फील्ड, और हल्के हल्के गेंद को धकेला लेकिन मैनुअल फील्ड करने में नाकाम। 3-7 फायदा मिलता हुआ रतनपुर को। 3-7 4-4 4-7 4-7 की अगली सर्विस शमशेरगंज की ओर से रतनपुर के लिए, बहुत ही गुड बेहतरीन एफर्ट, ओहो हो इस बार फील करने में नाकामयाब। अरे समीर को ऐसे कटियार का नंबर वन लिबेरो के रूप में नहीं जाना जाता है, उनका फील्डिंग है, उनका एफर्ट है, ओहो बहुत ही तगड़ा प्रहार। अंपायर साहब कौन दी गई सारा दादा, तुम्हें कभी डिस्टर्ब कर चुके
74 शमशेरगंज की ओर से रतनपुर के लिए। और गेंद छिटक रही है ना ना 74 शमशेरगंज की ओर से रतनपुर के लिए। डॉक्टर अशफाक सर, डॉक्टर अशफाक सर प्लीज आ। फोर सेवन की सर्विस होगी, शायद लेकर के आएंगे। फोर सेवन की सर्विस, मौका है यहाँ पे माइनर के पास, उमदा स्मैश, उमदा फील्डिंग का मुजाहरा। यहाँ पे फिर से मौका है, गेंद को पास किया है समीर का, फील्ड तसीफ का ये सेट और ये हल्के हाथ से और ये नेट अंडर नेट हो चुका है। और इसके साथ साथ 5-7 और यहाँ पे एक बार फिर से मौका है, तौसिफ ने गेंद को सेट किया गुलजार के लिए, गुलजार का ये स्मैश और मौका यहाँ पे स्मैश क्या कर पाएंगे। गेंद बाहर जा रही थी, गेंद को फील्ड करने में कामयाब, गेंद को धकेल दिया दूसरे के में कर दिया, इसमें से साबिर आएंगे और ये क्या बॉल बाहर चली जाएगी जी हाँ, टच आउट करती ही बॉल बाहर, फायदा मिलेगा शमशेरगंज को 7-5। अभी भी दो अंकों का फासला है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन पहला सेट जीतने में कामयाब हुए थे शमशेरगंज, तो वहां उनको एडवांटेज है, एक सेट ऑलरेडी जीत चुके हैं। और किसी तरह से गेंद को पास किया दूसरे खेमे में, नूरुल इस्लाम गेंद को सेट करेंगे और ये तगड़ा प्रहार 8-5। और एक बार फिर से मिराज, मिराज से तौसिफ और ये गुलजार का स्मैश, नूरुल इस्लाम का सेट और ये हल्के अर्जुन में धकेला है खाली स्थान पे, बहुत बड़ा गैप था और शाबिर ने पहले ही देख लिया था, मन बना लिया था कि और प्लेस कर रहे 9-5 10-5 बहुत ही उम्दा स्मैश साहब के द्वारा। और एक बार फिर से बॉल को किसी तरह से पास कर दिया है शाबिर का स्मैश, उमदा फील्डिंग साहब के द्वारा, तगड़ा प्रहार एक बार फिर से और एक बार फिर से गेंद को बनाने का प्रयास करेंगे मिराज का, ये समीर का फील्डिंग और ये गेंद नेट में उलझा दिया है और फायदा मिल जाएगा रतनपुर को 16। बॉडी का अपील और अंपायर एक्सेप्ट करते हुए अंपायर का इशारा, बॉडी टच का फायदा मिलता है 10-6 ब्लॉक। इसी के साथ 11-6 काफी बड़ा फासला हो चुका है, अब यहां से वापसी करने का ऐसा लग नहीं रहा है कि वापसी करेंगे, फील्ड करने में नाकामयाब। सात ग्यारह की सर्विस, तीन सर्विस 11-7 अगली सर्विस आएगी रतनपुर की ओर से 7-11 और यहाँ पे फिर से मौका है मुजम्मिल, मुजम्मिल से यहाँ पे वसीम का स्मैश और ये चेंज करने में कामयाब। धीरे धीरे काफी रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच में शमशेरगंज की ओर से, अब सर्विस आएगी 11-7 की।
ओहो। इसी के साथ सेकंड लास्ट बॉल और धीरे धीरे शमशेरगंज फाइनल में पहुंचने की ओर अग्रसर है। बॉडी टच, बॉडी टच। काफी अच्छा स्मैश फील्ड कर लेंगे साहिब इस बॉल को। वसीम ने पास किया, मिराज ने सप्लाई दिया और ये मनल का स्मैश नहीं। अरे चेंज चेंज करो जी जाकिर भाई। 13-7। बड़ा पास और मौका है साहिब के पास और साहिब ने खाली स्थान देख लिया है और स्मैश कर जाएंगे और इसका फायदा मिल जाएगा। 7-30। काफी अच्छा स्मैश। लाजवा ब्लॉक। चलिए इसी के साथ लास्ट बॉल। इसके बाद जो मैच हो रहा है वो किशनगंज वर्सेस मनोहरपुर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कृपया आप अपने खिलाड़ी को लेकर बिल्कुल तैयार हैं। और शमशेरगंज इस टूर्नामेंट का पहला फाइनलिस्ट बनता हुआ।